Silhouettes of you are like a... Hello, what's up guys? कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं The PB Panty Rider. और गाइज आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम सोच रहे थे कि आपको हम बताते हैं हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप. और दो तीन दिन से गाइज हम बाहर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी फॉग आ रही है, काफ़ी फॉग हो रही है और काफ़ी ठंडी भी हो रही है. तो गाइज ठंडी में बाहर निकलने का मन नहीं करता. और आज काफ़ी दिनों बाद धूप चढ़ी है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी मीठी मीठी धूप चढ़ी है और मज़ा आ रहा है आज. तभी तो हम छत पर आए हैं वीडियो बनाने के लिए. तो गाइज शुरू करते हैं वीडियो को. और गाइज पूरी वीडियो देखना और लाइक्स का एम थोड़ा सा रख देते हैं, 10-20 लाइक्स कर देना और कमेंट्स 3-4 कर देना. तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं. Meanwhile, तो गाइज अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरा हेलमेट है और ये मेरा है पुराना हेलमेट. तो आप देख सकते हैं कि इसके लॉक्स वगैरह जो है वो ढीले हो चुके हैं बिल्कुल. तो इसलिए हम इस पर अपना जो GoPro है वो माउंट नहीं करते. और इसी हेलमेट में क्या बोलते हैं, काफ़ी हमारे एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं. तो आप हेलमेट खोल के देख सकते हैं कि इसकी जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है. इसलिए ये वाला हेलमेट जो है मैं गाइस डेली यूसेज के लिए रखता हूँ. और जो मेरा मोटो व्लॉगिंग पुराना सेटअप था वो इसी पे था और मेरी जो पुरानी वीडियोज़ वगैरह वो इसी पर आती थी. तो आप गाइस हेलमेट का पूरा ओवरऑल राउंड व्यू देख सकते हैं कि इसकी स्टिकरिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है. तो ये मेरा पुराना वाला हेलमेट था. तो गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ अपना नया वाला. तो गाइज अपना अगला हेलमेट बताने से पहले एक बात बोलता हूँ मैं आप लोगों को कि मेरा जो है वीडियो पे कमेंट्स वगैरह जरूर कर दिया करो क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ. और वीडियो को लाइक कर दिया करो. तो चलिए गाइज दिखाते हैं आपको अपना अगला हेलमेट. तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये मेरा हेलमेट है जो मैंने SMK का लिया था. ये मुझे कॉस्ट किया था अप्रोक्स 4000 से 4500 के बीच में. तो मैंने ये ग्रीन कलर इसलिए लिया क्योंकि ये अवेलेबल ही ग्रीन में था और एम साइज में एक ही अवेलेबल था. और तो आप सामने देख सकते हैं कि मैंने अपना कैमरा वगैरह जो है वो माउंट किया हुआ है. और कैमरे की कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी लगभग 30,000 के आसपास. और साथ में आपने ये देखा ही होगा कि पूरा फिटिंग वगैरह कर रखा है. तो उलानजी का केस भी है. उलानजी का केस मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 1200-1300 के आसपास. और अडेप्टर जो है, अडेप्टर भी आपने देख रहे कि मैंने सारा सेटअप किया हुआ है. और मुझे अडेप्टर की कॉस्ट पड़ी थी गाइस 3700 रुपीज़ क्योंकि मैं ये रात को मैंने 2-2.5 बजे ऑर्डर किया था. और मोहानों का गाइस माइक है तो अभी आपको माइक में दिखाता हूँ. देख सकते हैं कि आप माइक जो है मैंने यहाँ पे अंदर फिट किया हुआ है. और गाइस इसलिए मैं आपको ये ही नहीं बता रहा खोल के क्योंकि मुझे दोबारा से फिर ये माउंट करना पड़ेगा और इसको आधा घंटा घंटा लग जाता है. तो आपने ये देख ही लिया होगा. गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कुछ अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है तो. और कमेंट भी गाइस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं गाइस किसी अगली मस्त सी वीडियो में. और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली राइड कहाँ पर प्लान करें. तो गाइस बाय बाय.